हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्योपैथिक दवा के विषय में, जिसे मर्क साल कहते हैं। इसको मर्क्यूरियस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कई वैरायटी होती है, जैसे मर्क्स पीटीआई, एमबीआई, मर्क्यूरियस जलसिस, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ मर्क्यूरियस यानी मर्क साल पर। तो इसकी जो है, हम आपको जो है बताएंगे कि जो इसके लक्षण क्या है, किस पावर में ली जाती है और वो पावर किस स्टेज में ली जाती है, तो आपको हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला सिम्टम और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है टेंडेंसी टू फार्मेशन, टेंडेंसी टू पस फार्मेशन। मतलब कि जो है आपको फोड़ा फुंसी हो रहा है, अगर आपको उसमें थोड़ा थोड़ा पस बनने वाला है तो आप जो है मर्क साल जो है कम पावर की आप ले लीजिए, तो आपका फोड़ा उसी पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका फोड़ा पक गया है, ज़्यादा हो गया है, तब आप जो है मर्क साल तब आपको हाई पावर देनी पड़ेगी 200, तो उससे क्या होगा, फोड़ा आपका पक जाएगा। तो याद रखिए टेंडेंसी टू पस फार्मेशन। तो पहला पॉइंट हो गया आपका पस बनने की प्रवृत्ति, माई टेंडेंसी या पस फार्मेशन। अगर आपको ऐसा सिम्टम है तो आप जो है मर्क साल हल्के पावर में लीजिए जब आपका पस बन रहा है, और अगर ऑलरेडी पस बन गया है तो हाई पावर में लीजिए, 2 या 3 खुराक लीजिए, आपका फोड़ा एकदम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है हमारे मुंह से गंध निकल रहा है, फिटी डाटर इन सलाइवा, माने हम जो थूकते हैं तो इसमें इतना गंध आती है, हमको अपने आप में शर्म लगती है। तो ऐसे में आप जो है मर्क साल जो है 200 जो है 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, तो आपका जो है जो गंध के सिम्टम है आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है सपुरेशन इन थ्रोट, माने गले में जो है पस हो गया। तो गले में अगर पस हो गया, चाहे वो टॉन्सिल में हो, चाहे फेरिक्स में हो, चाहे लरिंक्स में हो, कहीं भी हो, अगर आप देखते हैं गला खोले और पस हो गया, तो आप इमीडिएट जो है मर्क साल 200 4 बूंद करके दिन में 3 बार, इसमें अगर पस हो गया तो दिन में 3 बार ले लीजिए, तो थ्रोट में जो पस है वो आपका एकदम आराम हो जाएगा। ये दवाई घर में हमेशा रखे रहिए। तो दोस्तों, इसकी अगली दवाई है टेंडेंसी टू अल्सरेट, माने अगर आपको घाव हो गया है, एक तरह से मान लीजिए सूख गया है, लेकिन अगर वो जो है और विकराल रूप लेगा, तो आप जो है मर्क साल 200 सुबह शाम 4 बूंद करके दे दीजिए, आपका जो घाव का प्रवृत्ति है आपका जो है मर्क साल 200 से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि जो है सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड, माने अगर आप ठंडा चीज़ पिएंगे तभी आपको दांत सुविधा होगी, और अगर जो है गर्म चीज़ देंगे तभी आपको जो तकलीफ होगी, माने आपको दोनों से तकलीफ है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिले, ऐसा सिम्टम अगर अक्सर दांत के दर्द मिलता है कि किसी से भी नहीं आराम होता है, तो आप जो है मर्क साल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, आपका जो है सेंसिटिविटी हिसाब है हीट एंड कोल्ड से, ये आपका एकदम से जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है डिसेंट्री, जिसे म्यूकस डिसेंट्री कहते हैं। इसमें जो है खून गिरता है, जितना ही खून ज़्यादा गिरेगा उतना ही ज़्यादा मर्क साल काम करेगी, और इसके साथ में पेट में कूथन रहती है, माने जैसे कोई चीज़ काट रहा है। तो अगर आपको डिसेंट्री की शिकायत है, आँव की शिकायत है, तो आप जो है मर्क साल 200 दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जैसा आपका सेवेटी रहे आप ले लीजिए, आपका जो डिसेंट्री ठीक हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, इस मर्क साल का एक खास सिम्टम है कि जो है आप जरा भी काम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपके शरीर पर पसीना बहुत ज़्यादा होता है, पसीना इतना ज़्यादा होता है कि लेकिन उस पसीने से आपको आराम नहीं मिलता है। तो आप मर्क साल 200 सुबह शाम 4 बूंद करके आप जो है 10 दिन दे लीजिए, आपका पसीना जो है नॉर्मल हो जाएगा और पसीना बंद हो जाएगा निकलना। तो दोस्तों, जो है हम आपको एक बार बता दिए हैं कि इसका गंध जो है सलाइवा में थूक में गंध आता है, लेकिन थोड़ा गंध जो है गंध को हम थोड़ा बता रहे हैं कि गंध इसका इतना ज़्यादा आएगा कि आपका गंध जो पूरे कमरे में फैल जाएगा। पूरे कमरे में लोग बोलते हैं किस चीज़ का गंध आ रहा है, तो गंध के साथ में ये भी सिम्टम है कि पूरे कमरे में गंध फैल जाएगा। तो आप जो है मर्क साल 200 देना चालू कर दीजिए, मर्क साल 200 से आपका जो है ये गंध ठीक हो जाएगा, अब आपका जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मर्क साल 200 4 बूंद करके दिन में 2 बार कुछ दिन दे लीजिए, ये आपका जो हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है माउथ पर जो है, माउथ में क्या है कि आपको पानी का प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, पानी पीते हैं, जबकि माउथ आपका जो है मॉइस्ट है, माने कि गीला है आपका, माने कि सूखा नहीं है, और फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझती है, आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं आपको, तो आप ऐसे सिम्टम पर मर्क साल 200 सुबह शाम 4 बूंद करके ले लीजिए, जब तक आपका नहीं ठीक हो तो आपका जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसकी अगली दवाई है गम्स पर, माउथ एंड गम्स पर। इसका गम्स क्या है, स्पंजी होता है,
कि जरा भी आप जो अगर मान लीजिए कभी कभी आप देखे होंगे जो है यहाँ पर जो है थोड़ा ट्यूमर जैसा कुछ हो गया, स्पंजी टाइप हो गया, मैंने दबाने से दबा है, तो जरा भी दबाने से अगर आपको उसमें से खून निकलता है, गम्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो आप जो है मर्कसाल 200 दो दो घंटे पर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा एक्यूट केस है, तो आपका जो है मर्कसाल 200 तीन तीन घंटे पर लीजिए, जब तक नहीं ठीक हो जाए आपका खून निकलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अगला सिम्टम है दांत पर। इसके दांत में क्या है, इसके दांत में जो है डार्क हो जाते हैं और जो देखने में भद्दा लगता है और जो है ब्लैक हो जाते हैं। ऐसे दांत के लक्षण में जो है आप जो है मर्कसाल 200 एक डोज खाली इसमें, क्योंकि इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है, तो आप इसमें एक डोज ले सकते हैं। एक डोज लेने से आपका जो है दांत का कालापन जो ठीक हो जाएगा। जो दांत हिलते हैं अगर ऐसे करेंगे तो हिलेंगे, अपने साकेट से लूज हो गए, तो अगर दांत हिलते हैं, काले हैं, डटरी है, तो आप जो है मर्कसाल 200 सुबह शाम करके दांत जो है ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अगला सिम्टम है टॉन्सिल पर। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया या गले में फेरेंजाइटिस हो गया तो उस समय तो दर्द रहेगा, लेकिन मर्कसाल में क्या है, टॉन्सिल हो गया उसमें पस हो गया फिर भी उसमें दर्द नहीं होगा, तो आप मर्कसाल तुरंत ले लीजिए। अगर आप मर्कसाल तुरंत नहीं लेंगे तो आपका जब पस बढ़ जाएगा तब आपको गले में तकलीफ होगी, पीने में तकलीफ होगी, तब जो है पक जाएगा, फूटेगा, परेशानी बढ़ जाएगी। अगर पस हो गया है, दर्द नहीं है, तो आप मर्कसाल इमीडिएट ले लीजिए, आपका पस खत्म हो जाएगा, अब आपका जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसकी अगली दवाई है अटकान पर, अटोरिया पर। हम अटोरिया पर और सिम्टम आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके अटोरिया में क्या होता है, फिटेड अटोरिया, माने आप बैठे हैं, आपके बगल में आपके दोस्त बैठे हैं, उनके कान से मेवाज आ रहा है, तो मेवाज जो है बहुत ही गंध रहेगा, इतना गंध रहेगा कि आप बोल देंगे कि अरे आपका कान मेवाज आ रहा है। अगर ऐसा सिम्टम है तो आप मर्कसाल 200 दे दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा, दूसरी दवाई देने की जरूरत नहीं है, दूसरी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मर्करी टाइप की दवाई है इसलिए इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए, बस एक डोज दीजिए, दो डोज दीजिए, इसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दोस्तों इसकी अगली दवाई है सर्दी पर, कुराइया पर। तो कुराइया भी आपका जो है बहुत ही डिस्टर्ब करता है, कुराइया भी फेरिड होता है, माने आँख से पानी निकलेगा आपके, पहले आँख से पानी निकलेगा, आँख में जलन होगा, इचिंग होगा, इसके बाद नाक से पानी निकलेगा, जलन होगा, माने जिसको बोलते हैं फेरिड कुराइया। तो अगर ये सिम्टम है तो आपका जो कुछ सर्दी ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आपका कुराइया फेरिड रहे। तो आप इसमें क्या है मर्कसाल 200 इसमें आप तीन तीन घंटे पर जो है ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो इस केस में 30 भी ले सकते हैं चाचा बूंद करके, दो तीन दिन आपका जो है कुराइया फेरिड कुराइया आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो हम एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मर्कसाल के सिम्टम जो है पेशेंट दिन भर ठीक रहेगा, लेकिन इसका सिम्टम जो है सबसे बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि इसके तकलीफ रात में बढ़ते हैं और सुबह होते तो ठीक हो जाते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको रात में हुआ है और सुबह ठीक हो गया है तो आप भूल जाएंगे कि हमको दवाई लेना है या दवाई देना है, तो जब शाम आ जाएगा फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, माने रात में बढ़ते हैं, उसके बीच में आपको कोई तकलीफ होती है, चाहे दांत दर्द हो, या कान दर्द हो, या पेट दर्द हो, या पाँव दर्द, कोई भी दर्द हो, तो आप जो है मर्कसाल 200 सुबह शाम दीजिए चाचा बूंद करके, आपका जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा रात वाला, और चाहे हड्डी का दर्द हो, चाहे कोई भी दर्द हो, आप मर्कसाल से आपका जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी अगला सिम्टम है ट्रिमर एंड ट्रिमलिंग। जैसे आप हम ही देखे हैं कि हाथ पांव जो है कांपता है, ऐसे ऐसे थर थर कांपता है, ट्रिम्बलिंग जिसको बोलते हैं ट्रिमर। तो अगर आपको इस सिम्टम है तो आप जो है आँख बंद करके मर्कसाल लेते रहिए। तो मर्कसाल से आप अगर आपका शरीर में ट्रिम्बलिंग है तो आप मर्कसाल से शुरू कीजिए, जब तक नहीं ठीक हो आपका मर्कसाल 200 से ही आपकी प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी, हाइपोटेंसी की जरूरत नहीं है, बस खाली जो है 200 से काम चल जाएगा। दोस्तों इसका जो है सबसे अच्छा जो है एक मेंटल सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है टायर्ड ऑफ लाइफ से जो है उब जाता है, और जो है आप क्वेश्चन करेंगे वो आंसर नहीं देगा, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है मर्कसाल दीजिए 200 कुछ दिन दीजिए, तो आप पेशेंट का जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसका जो है सबसे अच्छा और गोल्डन सिम्टम है कि जो इसका पेशेंट जो है दाहिनी तरफ नहीं सोच सकता है, तकलीफ जो भी हो, लंग्स में दिक्कत हो, वो चाहे ड्रॉप्सी हो, चाहे जो है आपको जो है लीवर में तकलीफ हो, चाहे किडनी में तकलीफ हो, चाहे पाँव में तकलीफ हो, तो इसका पेशेंट जब दाहिनी तरफ सोएगा उसको बेचैनी होने लगेगी, उठ के बैठ जाएगा और बाईं तरफ सोएगा, तो इसका पेशेंट दाहिनी तरफ नहीं सोच सकता। अगर ऐसा कोई पेशेंट है आपके घर में या आपके परिवार में, तो आप उसको मर्कसाल 200 दे दीजिए, आप एक दवा से, एक डोज से या दूसरा डोज से एकदम ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम यह है वेडिपस।
तो अगर जो है फोड़ा हो गया है, फोड़ा में से जो है मेवा तो निकलेगा ही, पस निकलेगा ही, लेकिन कभी कभी उसमें से खून निकलने लगता है। तो आप खून देखकर मत घबराइए, आपको चाहिए मर्कसार, तो मर्कसार आप दे दीजिए चार चार बूंद करके, दिन में दो बार तीन बार दे दीजिए, तो आपका जो है ये पस में जो ब्लड आता है वो ठीक हो जाएगा और पेशेंट की हालत भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इसका अगला सिम्टम है टंग पर, हम वही सिम्टम बताएंगे जो आपको बहुत ही जो सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है टंग पर। तो इसकी टंग क्या होती है, फ्लेबी होती है, फ्लेबी माने मोटी होती है, टंग में सूजन आता है। अगर ऐसा सिम्टम है पेशेंट को मर्कसाल चाहिए, तो मर्कसाल आप दे दीजिए चार बूंद करके, दो दो घंटा पर दे दीजिए, तीन चार घंटे के अंदर उसको आराम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अगला सिम्टम है दांत पर, अगर आपको दांत में दर्द हो रहा है और नहीं ठीक हो रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसे ऐसे करेंगे गाल और छोड़ देने से फिर आपका दांत दर्द हो जाएगा, तो ऐसे सिम्टम पर आप आँख बंद करके मर्कसाल दे दीजिए 200, दो घंटा पर दीजिए, तीन घंटा पर जब तक नहीं ठीक हो, दो दो तीन तीन घंटा पर दे दीजिए, आपको आराम हो जाएगा। लेकिन ख्याल रहे कि मर्कसाल जो है एक घंटा पर नहीं देना है, आपको गैप देना है, कम से कम तीन घंटा गैप होना चाहिए। तो तीन घंटा पर आप दे दीजिए, आपका जो है जो दांत में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अगला सिम्टम है जो कि हम बता चुके हैं, हम उस सिम्टम आपको फिर बता रहे हैं कि मर्कसाल जो है डिसेंट्री में काम आता है। मर्कसाल जो है जितना ही ज़्यादा खून गिरेगा उतना ही आपको जो है मर्कसाल की चाहिए। तो अगर आपको जो है अचानक किसी को ब्लड डिसेंट्री हो गई है और खून ज़्यादा गिरता है, तो आप आँख बंद करके मर्कसाल 200 दो चाचा बूंद करके तीन तीन घंटे पर आप दे दीजिए, आपका जो है खून निकलना बंद हो जाएगा। अगली दवाई है लंग्स पर, अगर निमोनिया राइट साइड में हुआ है और राइट साइड के लेफ्ट लोब में हुआ है, अगर लेफ्ट लोब में, तो आप जो है मर्कसाल जो है इसकी अच्छी दवाई है, आप 200 ले लीजिए, निमोनिया एकदम ठीक हो जाएगा। अगला सिम्टम है पेशाब पर, इसका सिम्टम पेशाब पर क्या है, बड़ा गोल्डन सिम्टम है, आपको खुद फील होगा कि हम जितना पेशाब करते हैं पानी जो है पेशाब उससे ज़्यादा निकलता है, मालूम पड़ जाएगा कि हम पानी कम पीते हैं लेकिन पेशाब ज़्यादा होता है। ये सिम्टम किसी भी बीमारी में हो तो आप जो मर्कसाल 200 सुबह शाम दे सकते हैं, आप जो है इससे आराम हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है फीमेल डिजीज पर, फीमेल में क्या होता है पीरियड है अगर मेंसेज है उसको, उस समय उसको अगर ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है और जब पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसे पेशेंट को मर्कसाल की ज़रूरत है। मर्कसाल 200 चार बूंद सुबह शाम कुछ दिन लेने से उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, अगला बार जब मेंस पीरियड होगा तो उनको ब्रेस्ट में दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों एक सिम्टम मैं और रिपीट करने जा रहा हूँ, जैसे आपको फोड़ा हो, फोड़ा शुरू होते ही उसमें आपको लगे पस बनने वाला है, तो आप जो है मर्कसाल 200 दे दीजिए, आपका जो है पस जो है गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फोड़ा शुरू होता है छोटे से सरसों के दाने की तरह, तो आपको लगे फोड़ा बनने वाला है, इसमें पस बनने वाला है, तो आप जो है मर्कसाल 200 दे दीजिए, फोड़ा ठीक हो जाएगा, फोड़ा गायब हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है बच्चों के ऊपर में, अगर बच्चे को जो है टॉन्सिल है, माने बच्चों को कोई भी ग्लैंड फूल गई है, तो आप जो है बच्चों को मर्कसाल दीजिए 200 दीजिए, अगर बच्चे का एज कम है तो उसको 30 दीजिए, ये बच्चों के ग्लैंड पर काफ़ी अच्छा काम करती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको मर्कसाल के विषय में बताया, जितना हमको जानकारी थी, जितना हम अपने कॉलेज में पढ़े थे, आपको हमने सब बता दिया, ये कहीं ना कहीं जरूर फायदा करेगी। अगर आपको कुछ डाउट हो, कंसल्टेशन करना चाहें, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। आशा है आपको यह पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक नया चैनल है वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी, जो कि इंग्लिश में है, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।